नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने खुद बनाए हुए इयररिंग्स पहने हैं। हाँ, तो आज मैं जापानी पारंपरिक खाना ताकोयाकी बनाने वाली हूँ। ताकोयाकी ओसाका एरिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। मायोजु जापान तोरीबिया। ओसाका में कोनामोन कल्चर है। कोनामोन का मतलब पाउडर चीज, लेकिन इसका असली मतलब मैदा से बना हुआ खाना है। दो मुख्य खाना है, ओकोनोमियाकी और ताकोयाकी। ओसाका में क्यों कोनामोन खाना प्रसिद्ध हो गया, इसके कई कारण थे। पुराने जमाने से जापान में चावल का कल्चर था कि जापानीज लोग चावल बना के चावल खाते थे और चावल पसंद करते थे। ओसाका का सामना समुद्र से होता है, इसलिए पुराने जमाने से ओसाका में बहुत ही इंटरनेशनल ट्रेडिंग चलता था। इसलिए ओसाका के लोग विदेश के मैदे से बने हुए खाने को भी जानते थे। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम और उसके बाद जापान में खाने की कमी थी, यानी चावल की कमी थी। उस समय जापानीज लोगों ने सस्ता मैदा इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू किया है। ओसाका के लोग पहले से मैदा इस्तेमाल करते थे और फिर उसको इवोल्व, कुकिंग इवोल्व करके कोनोमियाकी, ताकोयाकी जैसा बहुत ही अच्छा खाना बना के बहुत ही खाने लगे। फिर बन गया कोनामोन कल्चर ओसाका में। समझ गए? एक्चुअली मेरी माताजी ओसाका से हैं और मैं भी ओसाका में 4 सालों से रह रही थी, और दरअसल बचपन से ताकोयाकी मेरा एब्सोल्यूट पसंदीदा खाना है। तो आज मैं ताकोयाकी बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और आपको भी इसी खाने का परिचय देना चाहती हूँ, ठीक है। तो शुरू करें। ताकोयाकी बनाने के लिए कुछ सब्जियां हैं। यह है कैबेज और यह है नेगी, स्प्रिंग ऑनियन, और ये टेंकास है। ये जापानीज बुंदी कह सकते हैं, टेंकास हम बोलते हैं। और ताकोयाकी के ताको का मतलब ये है ऑक्टोपस। हाँ, जापानीज लोग ऑक्टोपस खाते हैं, लेकिन मुझे पता है इंडियन लोग ऑक्टोपस नहीं खाते हैं, इसलिए अगर नहीं डालना चाहते हैं तो डालने की जरूरत नहीं है। और ऑक्टोपस की जगह पे आप जैसे कि पनीर डाल सकते हैं, चीज डाल सकते हैं, या एक्चुअली मेरे पास ये भी है, ये कोरियन किमची है, तो हम कभी कभी ये भी डालते हैं, ठीक है। तो बेसिक ताकोयाकी में यूजुअली स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज और जापानीज बुंदी और ऑक्टोपस, ऐसी चीजें डालते हैं। लेकिन अंदर में क्या डालेंगे ये एक्चुअली आपके ऊपर है, ठीक है। खुद अपना अपना ताकोयाकी बनाना अच्छा है। तो पहले इसी बोल में एक अंडा और 600 मिलीलीटर वाटर, ये 500 हो गया 100, इसको पहले मिक्स करूंगी, ठीक है। और इसमें ये है ताकोयाकी नो कोना, ताकोयाकी के लिए पाउडर है। इसमें क्या है, आटा, चीनी, तेल, नमक, कॉर्न सिरप, सीवीड पाउडर और कत्सु पाउडर भी है। कत्सु एक मछली का नाम है, इसका पाउडर इसी में है। तो जापान में 99.9% लोग शाकाहारी नहीं है, ठीक है, नॉन वेज है, इसलिए हर छोटी छोटी चीजों पे नॉन वेज डाली जाती है। इसलिए अगर आप जापान में आके कुकिंग करना चाहते हैं तो ऐसी चीजें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शुरू शुरू से खुद बनाना होगा, ठीक है। तो इसको पहले खोलूंगी। By the way, मैं इसको ट्रश कैन में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि इसी एरिया में प्लास्टिक चीजें अलग से फेंकना है रिसाइकल करने के लिए, ठीक है। तो साइड में रख के हाँ इसको मिक्स करूंगी, ठीक है। अब ये तैयार है। तदा, हाँ, ये ताकोयाकी बनाने के लिए विशेष पान है, हम इसको ताकोयाकी की कहते हैं। तो अब इसको ना एक्चुअली पहले तेल लगाना है, लेकिन इसी शेप में तेल लगाना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए एक चीज बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये है चॉपस्टिक्स है, लेकिन अभी ऐसे नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। और ये है किचन पेपर। हाँ, तो पहले किचन पेपर दो निकाल के बोल बनाऊंगी, और इसके अंदर में इसको घुसा के, और एक किचन पेपर से ऊपर कवर करूंगी, ठीक है।
और यह रबल बांध में ऐसे ऐसे करके हाँ, ये तकोयाकी मशीन में तेल लगाने के लिए ये हमेशा खुद बनाती हूँ मैं, तो इसको टर्न ऑन करूंगी ठीक है, और ये तेल है थोड़ा लगा के तैयार करूंगी ठीक है। तो इसी तेल को एक करके मशीन में डालूंगी। बच्चे लोग ऐसे करना बहुत ही पसंद करते हैं, तकोयाकी बनाना बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स फन ठीक है। और गरम करने दूंगी, ये वाला थोड़ा हंडल करना मुश्किल है इसलिए इसको ना अभी इसी कप में डाला है। आज गर्मी ज्यादा है जापान में, ऑफ कोर्स इंडिया से तो इतना गर्म नहीं है लेकिन जापान के जून में इतनी गर्मी है, बहुत आश्चर्यचकित हो गई। चलो अब शुरू करूंगी ठीक है, तकोयाकी बनाना शुरू करें। पहले पूरा नहीं डालना है क्योंकि इसके ऊपर में सब्जियां वगैरह डालने वाली हूँ ठीक है, और कैबेज सब ना इक्वली डालना है ठीक है ठीक है। और स्प्रिंग ऑनियन, ये बहुत बिजी होता है ये बनाना, और साउथ इंडिया में मिलते जुलते खाने हैं ना, मैंने एक बार देखा है ऐसा गोल सा शेप, और ये है जापानीज बूंदी टेंकासु। और सबसे पहले पारंपरिक मतलब सही तकोयाकी बनाऊंगी, इसलिए इसमें ऑक्टोपस जब पक्का डालूंगी। मुझे पता है लोग नहीं खाते हैं ऑक्टोपस, लेकिन आज तो जापानीज डिश का परिचय दे रही हूँ इसलिए ऑक्टोपस भी डालूंगी ठीक है। और एक्चुअली अंत में कुछ किमची भी डालना चाहती हूँ, और जल्दी करना है, थोड़ा सा किमची डालेंगे तो अलग मजा आता है ठीक है। और अंत में और थोड़ा सा ये डालेंगे ठीक है। अल्टीमेट गोल ये है कि तकोयाकी को पूरा गोल बनाना चपाती जैसी है ठीक है। अच्छा तकोयाकी हमेशा गोल होता है, और गोल करने के लिए ये है, इसको ताकेगुशी बोलते हैं, बंबू से बनी हुई खुशी है ठीक है। इसको दोनों इस्तेमाल करके ना ऐसे तकोयाकी को डिवाइड करूंगी, ये प्रोसेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है। मेरे पास ना गर्व है कि मैं तकोयाकी अच्छे से बना सकती हूँ क्योंकि बचपन से बनाती हूँ। चलो एक ट्राई करूंगी ठीक है, ध्यान से देखो, देखा ठीक से आधा, हाँ ऐसे पहले आधा आधा करूंगी, और अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं ताकि पूरा गोल हो जाए। खत्म हो गया। और जो भी ऐसी चीजें है ना बाहर में जो पड़ी हुई चीजें, इसको अंदर डालना है। अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा ऐसे, हाँ तो ठीक ठीक है, और थोड़ा पका के अब ब्राउन करूंगी। अब ठीक है, प्लेट में यूजुअली ना 5-4 तकोयाकी ऐसे रखे जाते हैं, तो और यह है ओकोनोमियाकी सॉस। अक्सर तकोयाकी और ओकोनोमियाकी बहुत ही मिलते जुलते हैं इसलिए आज ओकोनोमियाकी सॉस डालेंगी। ये थोड़ा स्वीट है थोड़ा नमकीन है, मुझे अच्छा होता है ठीक है। मुझे ना ज्यादा सॉस डालना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इससे कम भी डाल सकते हैं। और ये है मेयोनेज, मेरा नाम मायो है और मेयोनेज खा रही हूँ हाँ। और ये अच्छा है कैरोरी हाफ है, जापान में ये चलता है कैरोरी हाफ मेयोनेज, और जापानी मेयोनेज में यूजुअली अंडा इस्तेमाल करते हैं इसलिए अगर वेजी है तो ध्यान रखना। और ऊपर से यह सी वीड है, अवनोरी कहते हैं ऐसे। और ये कत्सो पक, एक
लाइक मछली का फ्लेक्स है, ये भी हमेशा डालते हैं ऊपर से, ठीक है। चलो ताकोयाकी कब से देखो, चलो इटादाकिमास। कई सालों के बाद खुद ताकोयाकी बना के खा रही हूँ, शायद बहुत ही गर्म होगा। इटादाकिमास। बहुत ही गर्म है लेकिन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा अंदर दिखाऊंगी। हाँ ऐसा थोड़ा सॉफ्ट है और इसमें कुछ सब्जियां हैं और ऑक्टोपस है। विदेशी लोग कहते हैं अरे जापानीज लोग ऑक्टोपस खाते हैं, इतनी मतलब ग्रॉस। लेकिन हमें लगता है कि मछली और ऑक्टोपस दोनों समुद्र से आते हैं और दोनों मतलब सेम है। हम समझ नहीं सकते हैं कि क्यों मछली और ऑक्टोपस को इतना डिवाइड करके ऑक्टोपस को नीचे दिखते हैं। बहुत अच्छा है। ताकोयाकी तो सॉफ्ट है लेकिन सिर्फ ऑक्टोपस थोड़ा मतलब चबाने के लिए कोशिश करना पड़ता है, और इसका सॉफ्ट और हार्ड का कंट्रास्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। इटादाकिमास। और एक खाऊंगी। इटादाकिमास। चलो कुछ सो समझ था। अभी एक्चुअली 6 बजे हैं और माताजी अब बाल कटवाने बाहर गई है, तो बाद में माताजी के साथ बाकी ताकोयाकी खाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आइडिया आया कि जापानी पारंपरिक खाना ओसाका का सोल फूड ताकोयाकी कैसा होता है, और शायद दिल्ली में कुछ जापानीज रेस्टोरेंट्स में ताकोयाकी अवेलेबल है, आप जाके खा सकते हैं। अगर आप शाकाहारी है तो बाहर ताकोयाकी नहीं खा सकते क्योंकि ताकोयाकी हमेशा नॉन वेज होता है, लेकिन आप घर पे ट्राई करके कुछ सिमिलर चीज वेज में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो गूगल पे रिसर्च कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंचेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमास्ता। अरिगातो गोजाइमास्ता। हाय, फिर मिलेंगे। मता ने, सायोनारा, बाय बाय।